फोर है उनके बारे में जिनमें से जो फिफ्थ वन है वो है सेबर टुथ टाइगर सेबर टुथ टाइगर जो है वो एक एक्सटिंक्ट एनिमल है मतलब बिल्कुल ये ख़त्म ही हो गए हैं इस दुनिया से ये एक कार्निवरस एनिमल है जो कि ज़्यादातर क्या खाते थे हर्बवरस एनिमल्स को ये पाए जाते थे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में तकरीबन दस हज़ार साल पहले सेबर टूथ टाइगर के जो दांत होते थे पेयर ऑफ कैनाइन्स मतलब कि आगे के जो दो दांत होते थे वो बहुत ही ज़्यादा लंबे होते थे तकरीबन एट इंचज तक वो लंबे होते थे ये जो साइबर सेबर टूथ टाइगर है बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो गए हैं इस दुनिया से इनकी जो मेन वजह है एक्सटिंक्शन की वो है ड्यू टू लैक फूड शॉर्टेज मतलब कि खाने की कमी की वजह से ये मर गए क्योंकि मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है प्लांट एक्सटिंक्शन हो गया और जब एक्सटिंक्शन हो गया फॉरेस्ट ख़त्म हो गए प्लांट्स ख़त्म हो गए और हर एनिमल्स जो कि प्लांट्स खाते थे वो मर गए और हरबिवर्स एनिमल्स के मरने की वजह से ये जो सेबर टूथ टाइगर है इनके लिए खाना बचा ही नहीं क्योंकि ये खाते थे हर बिवर्स एनिमल्स को जब वो बचे ही नहीं तो उस वजह से क्या हो गया ये भूख की वजह से मर गए ड्यू टू स्टारवेशन लैक ऑफ फूड सिक्स जो जानवर है वो भी एक एक्सटिंक्ट एक एनिमल है जो कि है मैमथ जी ये मैमथ जो है वो एक एक्सटिंक्ट एनिमल है मतलब कि ये दुनिया से बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं मैमथ को कहा जाता है हेरी एलिफेंट और आइस एज एलिफेंट भी ये ज़्यादातर पाए जाते थे यूरोप में एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में तकरीबन फोर थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड ईयर्स अगो ये ज़्यादातर रहते थे कोल्ड क्लाइमेट में जो इनके uh, टस्क है जैसे कि हाथी के एलिफेंट के टस्क होते हैं इनके जो टस्क होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं वो और वो ऊपर की तरफ मुड़े हुए होते हैं ये एक हर्बिवर्स एनिमल uh, हैं जो कि ज़्यादातर खाते थे ग्रास एंड प्लांट्स को ये बिल्कुल ही इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए हैं क्योंकि इनको मारा जाता था Uh, मतलब कि इनका शिकार किया जाता था और मेन जो वजह है इनकी एक्सटिंक्शन की वो है क्लाइमेट चेंज क्लाइमेटिक वार्मिंग की वजह से क्या हो गया ये जो आइसबर्ग्स है वो मेल्ट हो गए जिस वजह से क्या हो गया ये मर गए क्योंकि ये तो ज़्यादातर रहते थे कोल्ड क्लाइमेट में जब क्लाइमेटिक वार्मिंग हो गई तो ये वो क्लाइमेटिंग वार्मिंग क्लाइमेटिक वार्मिंग बर्दाश्त नहीं कर पाए और ये मर गए आइसबर्ग्स की uh, पिघल ने की वजह से ये डूब के भी मर गए मतलब दे गया ड्रॉन्ट सेवेंथ uh, जो जानवर है ये एक एंडेंजर्ड एनिमल है जो कि है कोला कॉला uh, जो है इसको कोला बेर भी कहा जाता है ये एक ऑस्ट्रेलियन ट्री डवेलिंग एनिमल है मतलब कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ये कहाँ रहते हैं ज़्यादातर ट्रीज़ पे रहते हैं इनके जो ईयर्स होते हैं कान होते हैं वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और हेरी होते हैं मतलब कि इनके कानों पर बहुत ही ज़्यादा बाल होते हैं इनकी जो पंजे होते हैं क्लास होते हैं वो शार्प होते हैं जो इनकी मदद करते हैं ट्रीज को चढ़ने में पेड़ों तक को चढ़ने में इनकी मदद करते हैं ये लगभग 19 आवर्स तक सोते रहते हैं मतलब कि ये दिन में 19 आवर्स सोते रहते हैं ये ज़्यादातर पाए जाते हैं इकलप्टस फॉरेस्टस में साउदर्न साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जो इकलप्टस फॉरेस्टस हैं ये ज़्यादातर उनमें पाए जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इकलप्टस लीव्स ही खाते हैं ये एक मार्सिपियल जानवर है मतलब कि जैसे कैंगारू है वो भी एक मार्सपियल जानवर है जो कि अपने बच्चे को जो इनकी बॉडी पे एक पाउच सा होता है उन में उनमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं उन्हीं में रखते हैं अपने बच्चों को आ, कहा जाता है कि अब खाली एट थाउजेंड कॉल्स ही इस दुनिया में बचे हैं इनकी जो एंडेंजर्ड होने की मेन वजह है वो है हैबिटेट लॉस और ये मारे जाते हैं ड्यू टू तो एक्सीडेंट्स मर जाते हैं ड्यू टू तो डिज़ीज़ मर मर जाते हैबिटेट है लॉस एक मेन फैक्टर है क्योंकि हर साल फा, फायर की मतलब कि जो जंगलों में आग लग जाती है उसमें बहुत सारे कॉलाज जो है वो मर जाते हैं और जब ये फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या होता है फूड शॉर्टेज होती है इकलप्टस ट्रीज़ उसमें जल जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इनके लिए जो इकलप्टस ट्रीज मतलब ये तो ज़्यादा इकलप्टस लीव्स ही खाते हैं जब हर साल जंगलों में आग लग जाती है ड्यू टू तो क्लाइमेटिक वार्मिंग तो उससे क्या होता है इकलप्टस ट्रीज जो है वो जल जाते हैं और इनके लिए खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है ड्यू टू तो फूड शॉर्टेज ड्यू टू तो स्टार ये मर जाते हैं मतलब भूख की वजह से ये मर जाते हैं लास्ट uh, जो रेयर uh, स्पीशी है वो है डायनासोर डायनासोर के बारे में तो आप सब ने uh, सुना ही होगा डायनोसॉर्स डाइनोसॉर्स uh, जो है वो मेन एनिमल ऑफ अर्थ माना जाता है ये uh, एक लिजर्ड लाइक रेपिटाइल्स है मतलब बिल्कुल छिपकली के जैसे दिखने वाले जानवर में से कुछ को कहा जाता है स्केयरस्ट क्रिएचर ऑन दी लैंड मतलब कि लैंड का सबसे खौफनाक जानवर इनको माना जाता था डायनासोर्स जो है आ, उनको प्रीहिस्टोरिक हिस्टोरिक रेपिटाइल्स भी कहा जाता है ये पाए जाते थे तकरीबन टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट मिलियन इयर्स एगो टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट मिलियन इयर्स पहले इनको पाया जाता था ये दुनिया के हर एक हिस्से में रहते थे डायनोसॉर जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टेरिबल लिजर्ड मतलब कि खौफनाक चिपकली ये इस दुनिया में मतलब इन्होंने रूल किया तकरीबन 150 मिलियन ईयर्स तक ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में मतलब इनकी डिफरेंट साइजेस होते थे डिफरेंट शेप्स होती थी कुछ डायनासोर्स हर्बीवर्स होते थे कुछ डायनासोर्स कार्निवर्स होते थे और कुछ डायनासोर्स ओमनीवर्स होते थे इनकी एक्सटिंक्शन की जो मेन वजह है वो है क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज की जो वजह से जो है वो क्या हो गया ये जो डायनासोर है ये बिल्कुल ही मर गए और एक्सटिंक्ट हो गए दूसरी जो वजह है वो है वॉलैनिक गैसेस वालकैनिक गैसेस जो इरप्ट होते हैं जूरिंग इरप्शन उसकी वजह से क्या हो गया क्लाइमेट चेंज हो गया जिसकी वजह से ये मर गए स्टारवेशन भी एक मेन रीज़न है एक्सटिंक्ट होने का क्योंकि जब वॉल्कैनिक गैसेस की वजह से जो है क्या हो गया कि जो ये इनके खाने मतलब ये जो खाते थे इनके लिए खाना कुछ बचा ही नहीं तो उससे क्या हो गया ड्यू टू स्टारवेशन ये मर गए और एक वजह है जो कि है एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट जिसे एक्सटिंक्ट हो गए आई थिंक दिस इज एनफ अल्लाह हाफिज़ टेक केयर